नमस्कार, स्वागत है आपका सिंहासन पर महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। पश्चिमी यूपी में प्रचार का शोर चरम पर है। बस एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है, लिहाजा यूपी चुनाव में तापमान काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब इसमें बयानों से उबाल आ गया है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान से अंगारे बरस रहे हैं। कोई कह रहा है 10 मार्च बीत जाने दो, गर्मी शांत कर देंगे, तो कोई सामने वाले की चर्बी उतारने का ऐलान कर रहा है, तो कोई चेतावनी दे रहा है कि वो गर्म खून वाला है। कुल मिलाकर इस वक्त यूपी की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यहां पर सवाल है कि कैंपेनिंग के दौरान नेता आखिर ऐसे विवादित बयानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या आम जनता को काम के मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, या सत्ता के लिए ऐसे बयान देकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ आलोक वर्मा जुड़ेंगे, इसके अलावा सपा से प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जी। तो सबसे पहले संजीव जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव में आ चुका है और ऐसे में यहाँ पर जुबानी जंग जो है नेताओं की, खास तौर पर जो पार्टी प्रमुख हैं, उनकी इस तरीके की मर्यादा भूलकर जो बयान सामने आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज हो गई है, इसके क्या मायने इस चुनावी माहौल में समझे जाए, निकाले जाए? बिल्कुल प्रीति, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम सर्द है और जो सियासी गर्माहट है वो चरम पर है। आप समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बयार बहती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया मैसेज देती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, वो सियासी जुआन जो है वो लगातार अब गर्माहट तेज हो गई है। अखिलेश यादव पर निजी हमले तेज हो गए हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि ये परिवार के नहीं हुए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम गर्मी नहीं, हम रोजगार देंगे, भर्ती देंगे। इन बातों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। सबसे पहला सवाल हम सपा के प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका जो गठबंधन है रालोद के साथ, आज आपके नेता और जयंत चौधरी बुलंदशहर में थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम गर्मी नहीं भर्ती देंगे, और ये जो निजी हमले अखिलेश यादव पर शुरू हुए हैं, और मैं ये भी बताना चाहूंगा अभिषेक आपको, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ और ग्राउंड जीरो पर हूँ, लगातार यहाँ मुद्दों की बात हो रही है, लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरीके का मैसेज देगा सपा के लिहाज से? अभिषेक देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हमेशा जनता के मुद्दों पर बात करती है और जनता के लिए सवाल पूछती रही है। अगर आप देखिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी छीटा कसी करते रहते हैं, और लेकिन जो 5 साल में उन्होंने काम क्या किया है उसको गिना नहीं पाते हैं, और अगर काम गिनाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पे आपने रोजगार दिए हैं, तो आरटीआई के हवाले से खबर आती है कि वो कहाँ पे दिए गए, या गोपनीय सूचना है या हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, जनता से, जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन 2012 से 2017 तक आपकी भी सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आपके पास गिनाने के लिए क्या कुछ है? आप तो कह रहे हैं कि हम 2022 से आपका मास्टर प्लान तैयार होगा, 2012 से 2017 के बीच बताइए ना, कानून व्यवस्था किस तरीके की थी, विकास किस तरीके का कराया था आपके नेता ने, खासतौर से अखिलेश यादव? देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो लगभग काम जो है वो समाजवादी पार्टी के समय में ही हुए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं किया। काम गिनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं और हम काम गिना भी रहे हैं लगातार। अगर आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो किसने बनवाया, वो समाजवादी सरकार में बनी। जो एम्बुलेंस सेवा थी, वो एम्बुलेंस सेवा जो कोविड काल में जो काम आई, वो अगर आप देखिए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही चलाया था। महिलाओं के लिए 10-90 की व्यवस्था उन्होंने ही की थी, महिला बाजार उन्होंने ही किया हुआ था, और तो और जो बिजली के ऊपर इतना इतरा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सन 2016 में 57,443 करोड़ रुपए के हिसाब से 33,000 मेगावाट की तीन थर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। और देखिए अगर 4 किलोमीटर की एलिवेटेड जो रोड है नोएडा में, वो उन्होंने ही करवाई थी, और आगरा एक्सप्रेसवे किसी से छुपा नहीं हुआ, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। गोमती का सौंदर्यीकरण उन्होंने ही दिया था,
साइकिल ट्रैक उन्होंने दिया, NH-24 अंडरपास वो भी उन्होंने ही दिया हुआ है। और तो और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अखिलेश यादव ने, आप चाहे नई युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने क्या किया, लैपटॉप दिया। लैपटॉप इस वजह से दिया ताकि युवा समझदार हो सके, जागरूक हो सके और आने वाले समय में वो रोजगार के लिए काम कर सके। तो ये सब बहुत सारी हमारे साथ आलोक है, आलोक से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जनता जनार्दन है, इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है आलोक आपको कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खासतौर से अमित शाह, जेपी नड्डा, आपके प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो निजी हमले ज्यादा कर रहे हैं, 80-20 की बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ है, मुद्दों की बातें कहाँ है, किसान कहाँ है, इन मुद्दों पर कब बात होगी? संजीव भाई, मुझे लगता है कि 19 मार्च 2017 को जब योगी जी ने शपथ ली थी और उसके बाद जब 4.5 साल तो योगी जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और किस तरीके से 4.5 साल में क्या परिवर्तन हमने उत्तर प्रदेश में किया, कितना रोजगार हमने दिया, युवाओं के लिए क्या किया, कौन सी सड़कें बनाई, किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, किस तरीके से दूसरे काम हुए, इस पर विस्तृत तौर पर चर्चा की गई थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, किस तरीके से हम अपने काम बताएं। 4.5 साल में मुझे लगता है कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने अपना काम बताया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, पूरी दुनिया को बताया था, पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश को बताया था। इससे पहले तो अखिलेश यादव जी ने यह काम नहीं किया था, इससे पहले मायावती जी ने यह काम तो नहीं किया था, इससे पहले मुलायम सिंह जी ने यह काम तो नहीं किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हम जो वादा करते हैं, जो विजन लेकर के चलते हैं, उस पर काम करते हैं और काम करने के बाद अपना आलोक जी रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कितना रोजगार दे पाए 4.5 साल में? 4.5 साल में ये भी उसी समय कितना रोजगार देने का वादा किया था हमने? बता तो रहा हूँ मोहतरमा जी, 70 लाख रोजगार देने का हमने प्रॉमिस किया था। हमने सरकारी क्षेत्र में 4.5 लाख रोजगार दिया और 2.5 करोड़ रोजगार जिन उद्योग धंधों को हमने बढ़ाया, छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाया, छोटे काम लगे, छोटे छोटे कल कारखानों को बढ़ाया, जिस तरीके का हमने माहौल पैदा किया, उसके चलते 2.5 करोड़ के आसपास जो है निजी क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिला। तो जिस तरीके का काम पिछले 4.5 साल, अगर आप संजीव जी 2.5 करोड़ रोजगार निजी क्षेत्र में किया है, रोजगार दिया है, तो फिर कब्रिस्तान शमशान करने की जरूरत दिया होता आपको तो, अखिलेश यादव पर निजी हमले बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है अमित शाह को? इन बातों पर सवाल तो खड़े होते हैं ना आलोक मित्र। आपने काम का सवाल किया तो हमने काम की बात की, देश दुनिया ने जो आंकड़े पेश किए उसकी भी बात की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हम दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, ये तो हुई विकास की बात। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को जिस आग में झोंकना चाहते हैं उस पर हमने काम कैसे किया था? जब हमारी सरकार बनी थी तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि जितने भी गुंडे हैं, जितने भी बदमाश हैं, जितने भी माफिया हैं, वो हमें उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, या तो वो हमें जेल के भीतर चाहिए या उत्तर प्रदेश की सरहदों के पार चाहिए। नतीजा क्या निकला? तकरीबन 2 दर्जन जो बड़े माफिया थे पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 17 के बाद उन्होंने विकास किया है, समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो 2022 में सरकार बनेगी तो विकास करेंगे। क्या कहना है जनता जनार्दन का? इन्होंने सब झूठ है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया और बेरोजगारी जो है मुख्य मुद्दा है इसका, कोई नौकरी इन्होंने नहीं दिलवाई और इस तरह से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया, किसान बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में काम हुआ है, लोग सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं है, बिजली के बिल बहुत बड़े हैं, बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है, बड़े बड़े बच्चे हो गए, स्कूल नहीं जा पा रहे, कोरोना आ जाता है। देखिए, कानून व्यवस्था तो निश्चित रूप से सुधरी है प्रीति पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा भी है और तमाम लोगों के अपने अपने वादे हैं, जनता जनार्दन की अपनी राय है, लेकिन आलोक सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सपा और रालोद का गठबंधन है, जो जाट लैंड ने एक नई हवा नई फिजा चलाई है, उससे कहीं ना कहीं असहज है आपकी पार्टी? जो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पिछले 5 साल में काम हुआ, किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल था, किस तरीके से कैराना में पलायन करना पड़ता था,
और किस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, मथुरा में क्या कुछ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी चीज, चलिए हम बात भूल भी जाएं, 5 साल बीत गया, पुरानी बात हो गई, लेकिन 5 साल बाद 2022 के चुनाव में आप क्या करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? एक बार फिर से आप फिर से मुख्तार अंसारी से मिल रहे हैं, मुख्तार अंसारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अतीक अहमद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जितने माफिया हैं वो आज साइकिल पर बैठ रहे हैं। कैराना में जो व्यक्ति कह रहा था कि हिंदुओं से सामान मत खरीदिए, तो इस तरीके से सांप्रदायिक दूरियां बढ़ा रहा था, आप उसके संजीव जी मैं लेकिन वो तो आपके मुख्यमंत्री जवाब दे दिया ना, उन्होंने कहा कि मैं मई जून में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश को शिमला बना सकता हूं, उन्होंने जवाब दे दिया ना नाहिद को। हम तो 2022 में जब सरकार आएगी, निश्चित रूप से माफिया तंत्र पे जो काम करना था 100% नहीं हुआ, अपराधियों पे जो काम करना था 100% नहीं हुआ, और हम ये मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो सभी को अपनी हदों में रहना पड़ेगा, खासतौर से। ठीक है आलोक जी, अभी जनता जो कह रही थी, जो सवाल उठा रही थी, उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन अभिषेक जी अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। अभिषेक जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, और मैं अभिषेक को ये भी बताना चाहेंगे कि साथी प्रवक्ता जो आलोक जी हैं वो कह रहे हैं कि हद में रहना सीखिए, समाजवादी पार्टी अपनी हदें पार कर जाती है। अभिषेक नहीं, देखिए पहली चीज तो जैसा कि ये माफियाओं की बात कर रहे हैं, 114 विधायक ये लेकर के बैठे हैं, धनंजय सिंह का जैसे ही नाम आता है तो इनके हाथ पांव ढीले होने लगते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ही संरक्षण दे रखा है। और तो और सबसे बड़े माफिया आज के समय में जो है वो अजय मिश्रा उर्फ टेनी जी हैं, जिनके बेटे ने आपने देखा कि कैसे सोची समझी साजिश रच करके किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी। और तो और जो अभी बात कह रहे थे, जैसे हमारे मित्र आलोक जी कह रहे थे, आगरा के दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय कौन है, उनके ऊपर क्या 307 का मुकदमा दर्ज नहीं है? कमल ऊपर से मेरठ के कमल दत्त शर्मा कौन है? और तो और छोड़िए कि थाना भवन से सुरेश खन्ना जी के ऊपर बताइए कौन से मुकदमे दर्ज हैं, बुलंदशहर से प्रदीप कुमार चौधरी के ऊपर कौन से मुकदमे दर्ज हैं। देखिए और तो और साथ में एक प्लस पॉइंट देखिए कि जब आलोक जी ने लगाया कि जब हमारी सरकार जब आएगी, तो इसका मतलब ये खुद ही जानते कि अब इनकी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन हो के रहेगा। कहां से हकीम खोद देख लिया आपने? अभिषेक आप एक बड़े काबिल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब आप नाहिद हसन को टिकट देंगे, जब आप मदन भैया को टिकट देंगे, जब आप मुख्तार अंसारी के समर्थन की बात करेंगे, तब आपके दल पर आपके नेता पर तो सवाल खड़े होंगे ना मित्र। प्रदेश में गंगा में बहुत पानी होता है, सरकारी और निजी मिलाकर के 275 लाख इन्होंने रोजगार दे दिए। बेहतर प्रशासनिक बेहतर प्रशासन चाहते हैं, और योगी जी के पिछले 5 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा परिवर्तन कैसे आ सकता है, तब्दीली कैसे आ सकती है। मुझे लगता है एक-एक करके आपसे बात करें। आलोक जी इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। संजीव जी, अभी इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में मिलाकर के और सरकारी आंकड़े मिलाकर के 2,75,00,000 का रोजगार इन्होंने दे दिया है। अगर आपको लगता है कि 2,75,00,000 रोजगार दे दिए हो, तो शायद आज उत्तर प्रदेश के युवा क्यों लाठी खा रहे होते और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे होते, आप खुद जानते हैं। आपके ही चैनल ने चलाया था और बहुत सारे चैनलों ने चलाया था कि 4-5 लाख की जब इन्होंने रोजगार की बात की, कहां पे है वो 4.5 लाख, वो किसी को नहीं पता है। मैं ज्यादा नहीं, छोटी सी एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आलोक जी बड़े काबिल प्रवक्ता है, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति है, मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर टेक्नीशियन और नर्स की 45,000 पद खाली है। आपने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा में हमने दे दिए हैं, वैकेंसी फुलफिल की है, तो बता दीजिए कितने वैकेंसी आपने दी है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल दरोगा और जो मुनीम की होती है उसके तकरीबन कुल मिलाकर के 96,175 पद खाली हैं, उनमें से कितने आपने वैकेंसी फुलफिल कर दी। और तो एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ना चाहता हूं मैं कि इन्होंने कहा था अपनी मैनिफेस्टो में कि जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 100 यूनिट रियायती दर पे हम बिजली देंगे, उनमें से कितने लोगों को दे दिया? मैं सिर्फ ये लेकिन बिजली का उत्पादन तो बीजेपी की सरकार में हुआ ना। आलोक जवाब दीजिए। आलोक, 57,443 करोड़ रुपए आदरणीय अखिलेश यादव जी मंजूर करके गए थे, 3 थर्मल पावर, 33,000। अभिषेक आपकी बात आ गई है। अभिषेक ये परंपरा गलत है। देखिए अभिषेक, ये आप एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, आप मौका दीजिए ना भाई। नहीं,
बिल्कुल 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 भाई, अभिषेक भाई शानदार प्रवक्ता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 5 साल पहले की जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, अभिषेक भाई के आंखों से भी गुजरी है। तो कोई कोई ऐसा तो है नहीं, कहीं दूसरी जगह से वो चले आए हैं। 5 साल पहले की तस्वीर वो देखते थे कि गांव में किस तरीके से हफ्ते में दिन में बिजली आती थी और हफ्ते भर रात में आती थी। और कई बार आप भी इस बात के गवाह होंगे कि कई बार ऐसा होता था कि सड़कों पर लोग उतर आते थे कि लाइट नहीं आ रही है, गर्मी में कई दिनों से ट्रांसफर फूक जाते थे, लोग अधिकारियों को बंधक बना लिया करते थे। और पिछले 5 साल के शासनकाल में मैंने एक भी खबर नहीं देखी, और आपने भी एक खबर शायद नहीं चलाई होगी जिसमें जनता सड़कों पर उतर आई हो और अधिकारियों को बंधक बना लिया हो बिजली की वजह से। दूसरी चीज 2017 में बेरोजगारी की बात आप कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट आई ना, अब से एक भाई अच्छी तरीके से जानते उस रिपोर्ट को भी, बेरोजगारी की 10.9% की बात कर रहा हूँ, CMIE की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और अब 5.9 के आसपास 17 से बेरोजगारी की दर हम 5% पर ले आए हैं। तो अभिषेक भाई कुछ तो राहत मिली होगी लोगों को, कुछ तो हालात बदले होंगे। लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतते रहे हैं, 2017 का इलेक्शन ले लीजिए, 2019 का इलेक्शन ले लीजिए, जनता पार्टी का पक्ष अच्छे से हमेशा रखते हैं। लेकिन भाई साहब, आपकी सरकार ने काम किया है, योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, भाजपा ने काम किया है, तो फिर सवाल वही है ना, कब्रिस्तान, शमशान, अखिलेश यादव, निजी हमले, शिमला, मई जून, इन सबको करने की जरूरत क्यों है भाई? आप बताइए ना, विकास में वोट मांगिए, आप कहिए कि आपने शिक्षा दी है, आप कहिए आपने उत्तर प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, आप कहिए आपने कोरोना की सेकेंड वेव ने अच्छा काम किया है। हम राजधानी लखनऊ में पत्रकारिता करते हैं और मित्र, हमने सेकेंड वेव में जो तबाही हुई वो देखी है, हमने लखनऊ के भैंसा कुंड में 500 लाशें प्रतिदिन जलती देखी हैं और वो टीन से ढक दिया गया। यदि आपने ये स्वास्थ्य सेवाएं दी, आपने रोजगार दिया है, शिक्षा बेहतर दी है, तो उस पर वोट मांगिए ना आप। आलोक जी अभी यहाँ पर आप आलोक जी अभी यहाँ पर रोजगार के बेरोजगारी के आंकड़े आप दे रहे थे, आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर भी CMIE की अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके तहत यहाँ पर हर साल 16 लाख नौकरियां जो है वो खत्म हो गई है, हर 100 में से 68 लोग जो हैं उनके पास काम नहीं है। प्रीति जी मैंने कहा कि कोरोना ने हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाला, कोविड ने कोई स्थितियां नहीं बिगाड़ी। अरे बिगाड़ी भाई, निश्चित रूप से बिगाड़ी। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले क्या था, 2017 में क्या था और आज क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% लोगों को हमने नौकरियां दे दी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग बेरोजगार कोविड पीरियड में नहीं हुए, मुश्किल वक्त था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हालात को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने संभाला, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हालत बिगड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालत बहुत सारे दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत बहुत बेहतर कंडीशन में भी रहे। आप चले जाइए ना दक्षिण भारत के हिस्सों में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वहां किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था, हमसे कई गुना स्थितियां बेकार थी, दिल्ली जैसे राज्यों के गर्मी चर्बी इनसे वोट मिलेगा। अरे पहले आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं मोहतरमा, उस पर भी सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि काम के आधार पे वोट कैसे मांगा जाता, जरा ये विधा मुझे बता दीजिए भाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री साढ़े चार साल का जो काम किया, 6 महीने पहले इलेक्शन के 6 महीने पहले, 4.5 साल में जो काम किया, उसके लिए मुख्यमंत्री बाकायदा प्रेस में आए, बाकायदा मीडिया के सामने आए, अपने रिपोर्ट कार्ड उन्होंने सबके सामने रखी, सार्वजनिक तरीके से रखी। सरकारी नौकरी हमने कितनी दी, हमने बताया ना, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, हमने ये भी बताया कि उससे पिछले 10 सालों में करीब 3 लाख के आसपास नौकरियां दी थी अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने मिलाकर के। हमने मुश्किल वक्त में, कोविड पीरियड के मुश्किल वक्त में भी सरकारी नौकरियां भी निकाली, प्राइवेट नौकरियों के लिए भी हालात पैदा किए, उद्योग धंधे भी उत्तर प्रदेश में लगे ताकि निजी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, निजी क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, इसका भी रास्ता हमने निकाला। वो रास्ता कैसे निकलता, वो रास्ता तो ऐसे ही निकलता ना कि पहले माफिया की आप कमर तोड़ी जाती। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या किया, माफिया की कमर ही तो तोड़ी। मैंने आपसे कहा 2 दर्जन माफियाओं की कमर तोड़ी गई, मैंने आपसे कहा कि 150 माफिया ऐसे थे, 150 अपराधी ऐसे थे जो इनकाउंटर में मारे गए, 10,000 के आसपास घायल हुए, तब जाकर के उत्तर प्रदेश इस हालात में पहुंचा।
कि उद्योग धंधे यहाँ लग सकें, लोग यहाँ पर आ सकें, छोटे धंधों छोटे आलोक आपकी बातें सारी सही हैं। आलोक आलोक आप काबिल प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रखते हैं, लेकिन 2017 का स्लोगन आपको याद है अभिषेक जी? आपकी पार्टी का 2017 का स्लोगन ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे पार्टी के नेता अजय कुमार लल्लू लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम मुकदमे उनके ऊपर हुए जैसा उनका आरोप है, तो क्या आपको लगता है आलोक, दो सवाल है, एक कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हुई और दूसरा सवाल ये है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं और आपका नजरिया क्या है? 136 सीटों में 109 सीट जीतने वाली भाजपा आज किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है? आलोक, आपने मुझसे कहा कि हमारी कल्पना थी उत्तर प्रदेश के लिए कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज। गुंडा राज पे हमने क्या काम किया और पहले दिन से क्या काम किया, ये तो मैंने अभी 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 जो लंबी बातचीत आपसे हुई उसमें बताया। भ्रष्टाचार का वैसा वैसे हालात तो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के समय में पैदा हुए। अखिलेश यादव जी के समय में क्या होता था, गायत्री प्रजापति का नाम आप अच्छी तरीके से जानते थे, सुनते थे, समझते थे। गायत्री प्रजापति कौन थे? सत्ता सदन में व्यभिचार, करप्शन और क्राइम का खेल खेलते थे, और वो पैसा जो बुंदेलखंड से रिस्क आता था सैफई में कहां जाता था किसको नहीं मालूम है। कौन लोग थे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई बड़ा नेता तो नहीं ना जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था, जो उसको सपोर्ट करता था। किसी भ्रष्टाचारी को हमने बढ़ावा दिया हो? अगर दिया हो तो बताइए, किसी नाम को बताइए ना किसी भ्रष्टाचारी को हमने बढ़ावा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी में ये काम नहीं हुआ, ये काम हम अभी बताएंगे, अभिषेक बताएंगे अभी। अभिषेक जी से हम पूछेंगे, लेकिन संजीव जी जो आपके पीछे लोग खड़े हैं, उसके लिए अभिषेक है, आपकी पार्टी ने क्या किया है उसका पूरा ब्यूरो अभिषेक वाजपेयी के पास है, आप उनका ब्यूरो आपके पास है। अभिषेक, क्या लगता है जो बातें कर रहे हैं आलोक, इनके दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, दावों में सच्चाई आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि 300 सड़कें हवे में बन गई, इसके लिए भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जिला पंचायत में बिना बिलों के बिल पास कर दिया गया, लाखों का भुगतान हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और तो और 14 कोसी परिक्रमा का जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इनको बताना चाहिए आलोक जी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बस्ती में जितनी भी सड़कें थी सिर्फ वो कागज में ही बनी और सड़कें जमीनी स्तर पे तो उतर ही नहीं पाई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर इतने ही पाक साफ अभिषेक है, एक अभिषेक तो, एक सवाल जनता से ले अभिषेक एक सवाल जनता से ले लेते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या लगता है तरीके से आलोक वर्मा बाबा, क्या आपको लगता है कि आप युवा हैं? योगी सरकार ने रोजगार दिया है आप लोगों को? मेन मुद्दा बेरोजगारी है हमारा, इन्होंने रोजगार दिया ही नहीं, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं है आर्मी की। क्या कर रहे हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं निकली रेस मारते हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो अच्छी रही है, 5 साल में दंगे नहीं हुए, योगी सरकार में जो अपराधी माफिया है जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया, क्या लगता है योगी सरकार सफल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं रही। एक बस एक कानून व्यवस्था की बात है, किसी बालक को किसी को नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं, सब बैकवर्ड में मामला जा रहा है ना। देखिए आलोक, जो सच्चाई है वो जनता कहती तो है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये लोग आपकी सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन मुद्दों की बात जहां तक आती है वहां थोड़ी बहुत नाराजगी है, कैसे दूर कर मित्र? आलोक जी, यहाँ पर जिस तरीके से उनका सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर लोग मानते हैं कि हाँ बीजेपी ने इस पर काम किया, लेकिन और मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल हैं और उनसे संतुष्ट नहीं है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आपने मुझसे पहले डेटा मांगा, हमने लोगों को रोजगार दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हम 100% लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, अभी बहुत काम है जो हमें करना है। 2022 में जो हमारी सरकार बनेगी निश्चित रूप से हम और बेहतर काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके के हालात थे, कितने रोजगार हम दे सके, कितने सरकारी क्षेत्रों में दे सके, सरकारी क्षेत्रों में निश्चित रूप से और रोजगार बढ़ सकता है, 2022 में और बेहतर नतीजा आएगा, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। दूसरी बात, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैं रिपोर्टर रहा हूँ, और जब आप जिस जगह पे खड़े हो, आलोक मैं ये भी बता दूं आपको, आलोक संजीव जी समय की कमी है, आलोक जी एक बार जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद एक आखिरी सवाल। प्रीति,
प्रीति एक आखिरी सवाल मैं आलोक से करना चाहता हूँ। आलोक, आप जो 80 बनाम 20 की बात करते हैं, इस गांव में गुर्जर है, गांव में रायत जो समाज की है और जो के बयान सुने हैं, जो इनकी इस तरह के समुदाय से लोग आते हैं, कानून व्यवस्था पर तारीफ करते हैं तो लेकर आप घेरते। संजीव जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। अभिषेक जी का फाइनल कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगी, जल्दी से अपनी बात यहां पर रखिए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए प्रीति जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इन्होंने आंकड़ों में बताया कि मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2.75 करोड़ नौकरियां इन्होंने दे दी, तब भी युवा सड़कों पर है। और कानून व्यवस्था की बात जहां तक कह रहे हैं, कानून व्यवस्था में भी अगर आप देखिए तो आखिर धनंजय सिंह बाहर क्यों है, किसके ऊपर इन्होंने कार्यवाही की हुई है, यह बता नहीं पाएंगे क्यों धनंजय सिंह के। और तो और इन्होंने ये दूसरा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, हर जगह पे इनके खिलाफ घोटालों के केस दर्ज हैं। आखिर ऐसा क्यों है ये मैं समझ सकता हूं आलोक जी की परेशानी कि इनको अपनी सरकार का पक्ष रखना है तो कहीं ना कहीं इनको बचाव करना है तो चीजें नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन सत्यता क्या है ये अच्छे से जानते हैं। और आने वाला समय जो है वो जनता परिवर्तन चाहती है। 10 मार्च 2022 को आदरणीय अखिलेश यादव जी सत्ता में आते ही युवाओं से लेकर के किसानों तक के लिए सबके लिए काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम इनको बधाई देंगे और मिठाई यहां पर अब 10 मार्च को जनता तय करेगी कि आखिर उसे किसे चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर चुनाव भले ही सर्दियों में हो रहे हैं लेकिन चुनावी पारा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। ऐसे में कौन किसकी गर्मी निकालेगा, कौन किसकी चर्बी निकालेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन वोटर्स को ऐसे बयानों से बचना होगा, असली मुद्दों पर फोकस करना होगा और सोच समझकर अपना नेता चुनना होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।